फ्रेंड्स, आज हम पके केले से इतनी आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि आप इस मानसून में बनाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये खाने में। यहाँ पे मैंने 4 केले ले लिए हैं, छोटे वाले केले हैं ये। अगर आप बड़े वाले केलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ 2 केले काफ़ी होंगे। इसे अच्छी तरीके से पानी में हमें धो लेना है और इसे अच्छी तरीके से हमें पोंछ लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छी तरीके से ड्राई टैप कर लेने के बाद हम इसे किनारों से कट कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल। तेल को मीडियम गरम हो जाने देंगे और उसके बाद इसमें हम इन केलों को फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। केले जैसे ही फ्राई हो जाएंगे अच्छे से ये फटने लगेंगे, मतलब आप देखेंगे कि इनका जो ऊपर का स्किन होता है वो अपने आप ही फटने लग जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे हमें इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो बस इसे पील कर लेंगे और पील करके इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। अब यहाँ पे एक फोक या फिर मैशर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैश नहीं करना है, रफली करके तैयार कर लेंगे हम। और यहाँ पे बड़े साइज़ का प्याज मैंने रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और 1 कप बेसन। साथ ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें ताकि कलर अच्छा आए। थोड़ी सी हींग डाल देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून, मतलब 1 पिंच बेकिंग सोडा। 1 चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा इस तरीके से क्रश करते हुए डालेंगे ताकि इसका भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाए। बोल थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है। अगर मिक्स करते समय आपको लगे कि और बेसन की ज़रूरत है तो आप 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है क्योंकि बनाना लिक्विडी है और इसी में ये बैटर बन जाएगा। बाकी किसी पकौड़े को जैसे हम फ्राई करते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करना है। यहाँ पे हमारे पके हुए केले के पकौड़े बन करके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मैंने इसे मायोनीज और सेजवान चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में हल्के से मीठे, तीखे, चटपटे से होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पके हुए केले की इस पकौड़े की रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही यूनिक है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।